सागर जिले की बंडा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर सुधीर यादव ने भी चुनावी रणक्षेत्र में ताल ठोक दी है। उन्होंने बंडा के एसडीएम कार्यालय पहुंच रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नाम निर्देशन फॉर्म जमा किया। सुधीर यादव ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि इस बार झाड़ू यहां के चुनावी समीकरण को बदलने सब पर भारी पड़ेगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप भी लगाया। वह पूरी तरह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बंडा के विकास को प्राथमिकता के साथ जीत के बाद पूरा करेंगे। क्या हम आपको बता दें कि बीते कुछ वर्षों से वह भाजपा पार्टी से क्षेत्र में सक्रिय राजनीति कर अपना जनाधार बढ़ा रहे थे, जहां इस बार उन्हें आशा थी कि पार्टी उन्हें सीबा का मौका देगी, पर जब पार्टी ने उन पर विश्वास नहीं जताया तो उन्होंने पार्टी से बगावत कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और अब जनता के आशीर्वाद की चाह में चुनावी मैदान में उतर आए हैं। नामांकन जमा करते समय बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक मौजूद रहे। बड़ा स्पष्ट नजरिया है, कहीं कोई लड़ाई है ही नहीं। पूरी विधानसभा में हम झाड़ू लगा के सबको साफ कर देंगे। क्या प्राथमिकता रहेगी इस बार आपकी बंडा में, अगर जनता चुनती है? बंडा विकास में सबसे पीछे है, उसको इस जिले में और इस प्रदेश में नंबर वन के रूप में स्थापित करना है, ये हमारा प्रण है। थे वो भ्रष्टाचार में अकांठ डूबे हुए थे, पूरी ताकत से वो भ्रष्टाचार के चलते उसमें लगातार डुबकी लगा रहे थे और ये जनता सब देख रही है और ये जनता इस चीज का निदान सबको देगी।